आखिर क्यों इंद्रदेव के पुत्र जयंत ने माता सीता को कर दिया घायल और क्यों चलाया था प्रभु श्री राम ने इंद्रदेव के पुत्र जयंत पर ब्रह्मास्त्र? जानिए कैसे बचे थे इंद्रदेव के पुत्र भगवान श्री राम के ब्रह्मास्त्र से, और क्या रहस्य है इस कथा से जुड़े कौवे और माता सीता का, जिसकी वजह से आज भी कौवा सिर्फ एक आंख से ही देख सकता है। आइए जानते हैं इस पौराणिक कथा के बारे में। त्रेता युग में श्री रामचरितमानस में इस कथा का वर्णन विस्तार से किया गया है, जिसके अनुसार वनवास के दौरान एक बार जब प्रभु श्री राम माता सीता की बांह पर अपने शिष्य टिकाकर गहरी निंद्रा में सो गए, तब अकस्मात वहां एक काक यानी कौवा आया और उनके सामने एक पेड़ पर बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। उस कौवे के चिल्लाने की आवाज से प्रभु राम को निद्रा में विघ्न हो रहा था। प्रभु को शांति से सोते देख माता सीता उनके निद्रा में विघ्न पड़ने देना नहीं चाहती थी, और इसी स्थिति का लाभ उठाकर वह कौवा उड़कर उनके पास आया और अपने पंजों से माता सीता के शरीर और गले पर प्रहार करके उनको घायल कर दिया, जिसके कारण उनके घाव से निकला हुआ रक्त प्रभु श्री राम के माथे पर गिरता है और वे उठ जाते हैं। और जैसे ही वे माता सीता की कोमल काया पर घाव देखते हैं तो वे क्रोधित हो जाते हैं, और फिर उस घाव का कारण जानने के बाद उन्होंने उस कौवे पर एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े से प्रहार कर दिया, जो ब्रह्मास्त्र के समान ही था। प्रभु का क्रोध देख वह कौवा डर कर वहां से उड़ गया। उसके उड़ने की गति देख प्रभु श्री राम को ज्ञात हो गया कि वो कौवे के रूप में देवराज इंद्र का पुत्र जयंत था, जो कि माता सीता के धैर्य और प्रभु श्री राम की शक्ति की परीक्षा लेने आया था। अब वो प्रभु श्री राम के ब्रह्मास्त्र से बचने के लिए देवलोक की ओर जाने लगा। देवलोक पहुंचकर जयंत ने सभी देवी देवताओं से अपने प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना की, लेकिन सभी ने कहा कि प्रभु श्री राम के ब्रह्मास्त्र से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता और उसकी सहायता कोई नहीं करता। फिर वो अपने पिता इंद्रदेव के पास जाता है तो इंद्रदेव ने उससे कहा कि उस बाण से तुम्हारी रक्षा सिर्फ स्वयं भगवान श्री राम ही कर सकते। फिर वो वापस प्रभु श्री राम के पास आता है और माता सीता से अपने किए की माफी मांगता है। तब भगवान श्री राम ने कहा कि वह इस बाण को वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन उससे आघात को कम कर सकते। ऐसे में प्रभु श्री राम ने अपने उस बाण से कौवे के रूप में मौजूद इंद्रदेव के पुत्र जयंत की एक आंख पर ही ब्रह्मास्त्र का प्रहार होने दिया, जिससे उसकी केवल एक आंख फूटी और उसी दिन से कौवे को एक आंख वाला माना जाने लगा। इसके बाद प्रभु श्री राम ने उस कौवे को वरदान भी दिया और कहा, तुम अपने एक आंख से वह सब देख पाओगे जो कि दोनों आंखों वाले जीवों से अदृश्य रहता है। तुम सभी पितरों और अन्य असंतुष्ट आत्माओं के दर्शन करने में सक्षम रहोगे। और इस प्रकार भगवान श्री राम ने उस कौवे को उसकी गलती के लिए क्षमा मांगने पर उसे क्षमा किया और जीवन दान के साथ ही वरदान भी दिया।